हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा। और वी हैड टू गो समवेयर, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए रेडी हो रही थी, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ जो है वो वीडियो भी बना लेती हूँ। और जो रीसेंट चीज़ें हो रही हैं मुल्क में, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट इज़ वेल। जैसे जो कल परसों उज़्मा खान वाला केस हुआ, और उससे पहले प्लेन क्रैश वाला। सो आई थॉट, मुझे एक दो लड़कियों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया कि आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं बोला, लेकिन उज़्मा खान वाले केस पे मैंने अपना आर्टिकल लिखा है लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा.com, जो मेरा वेबसाइट है उसके ऊपर वो पब्लिश्ड है। तो उसके ऊपर ओपिनियन जो है वो बहुत ही ऑब्वियस था, जितने भी लोग जो वेल अवेयर होते हैं, जो यू नो हू थिंक अ बिट डीपली एंड नॉट जस्ट डीपली, बस जनरली भी सोचते हैं, उनका सबका ओपिनियन एक ही है कि इफ़ समबडी इज़ चीटिंग विद समवन एल्स, तो उस केस में बहुत दोनों ही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट लाइक वन पर्सन। यू कॉन्ट से कि इफ़ अ मैन और वुमेन आर चीटिंग तो उसमें सिर्फ औरत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ लगी कि जो है ना, और ये क्यों सारा कुछ हुआ, क्योंकि जो लोग अक्यूज़ कर रहे थे, जो ख़वातीन, उन्होंने खुद ही वो वीडियोज़ बनाई, वो खुद ही वो वीडियोज़ वायरल की, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि अच्छा जनरली यही होता है कि औरत ही ब्लेम होती है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा औरत ब्लेम हो जाएगी, डीफेम हो जाएगी, और यू नो वील गेट द मैन बैक। बट यू नो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क, एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन दिस वे, कि पीपल आर अवेयर दैट इफ यू नो इफ टू पीपल आर रॉन्ग देन बोथ ऑफ देम शुड बी टोल्ड दैट दे आर रॉन्ग, नॉट लाइक वन पर्सन शुड टेक द एंटायर ब्लेम। तो या तो उसके ऊपर ओपिनियन यही है कि इफ समबडी हैज़ यू नो इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद समवन, तो ये तो एक गुनाह है, लेकिन इन माय ओपिनियन यू माइट डिसएग्री विद दैट, लेकिन ये एक पर्सनल लेवल की चीज़ है। तो अगर कोई पर्सनल लेवल पे कुछ गलत कर रहा है, फिर ये उसका और उसका अल्लाह का मामला है, एंड आई वुडन्ट बी समवन टू कॉमेंट ऑन दैट, बिकॉज यू नो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ कर सकते हैं, तो हम भी किसी को इजाज़त नहीं देते कि लोग हमारी गलतियों पे कमेंट करें। लेकिन जो उस वीडियो की सबसे गलत बात है वो ये है कि यू नो देर आर पीपल बार्ज इन टू समवन एल्सिस हाउस। अच्छा लेटर ऑन जो थी आमना, उन्होंने कहा कि भाई वो तो मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था, जो भी है, लेकिन ऑब्वियसली उनको पता ही होगा कि वहाँ पर और ख़वातीन यू नो दे आर रिज़ाइडिंग। तो इस तरह से मारपीट करना, चीज़ें तोड़ना, ये तो एक ऐसा है कि यू नो आई कॉन्ट, आई एम गोइंग टू हैव यू नो मैटर वॉट। तो यू नो शी वॉज काइंड ऑफ यू नो शोइंग दैट यू नो शी वॉन्ट्स द मैन नो मैटर वॉट, गुड और बैड। तो इन माई ओपिनियन शी वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हर सेल्फ इन दिस वे एंड डिसरिस्पेक्टिंग ऑल द अदर वीमेन। तो इसलिए इसके ऊपर तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ओपिनियन है कि जो गलत है वो तो गलत है, जो मॉरली जो चीज़ें गलत हैं उसके ऊपर तो यू नो देर आर नो टू ओपिनियंस, लेकिन जो चीज़ें लीगली गलत हैं वो ज़्यादा इसलिए उन पर बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉरेलिटी तो हर किसी का एक रिलेटिव, उसका एक क्राइटेरिया है, किसी के लिए मॉरेलिटी कुछ है, किसी के लिए कुछ है, तो वी कॉन्ट डिसाइड मॉरेलिटी फॉर ऑल द पीपल, क्योंकि शायद हम जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए वो मॉरल लेवल पर गलत हो, लेकिन जो लीगल इशू है वो ये है कि हम यू नो लेट मी ग्रैब द माय ब्रशेस। तो इसलिए पाकिस्तान में तो ये बहुत ही है कि अच्छा जिसके पास भी पावर होती है वो चीज़ें उठाई और धमकियां देना शुरू कर दी, जैसे उस वीडियो में भी आर्मी के इन्वॉल्वमेंट का कह रहे कि अच्छा जी ISI से उठवा लें, मतलब ISI ने अब ये काम करने हैं, ये मुल्क संभालना है। बट ऑब्वियसली दीज पीपल मेक सच सम क्लेम्स, तो उनके कुछ तो मतलब कुछ तो पावर होगी कि वो इस तरह की बातें कर रही हैं। तो इसलिए ये तो इस इशू पे तो बहुत ही क्लियर सा स्टैंड है कि यू नो इफ़ यू आर बीइंग चीटेड ऑन देन द पर्सन होम यू आर यू नो लीगली रिलेटेड टू, आपको उसी को ब्लेम करना है और उसी से क्वेश्चन करना है, दूसरा पर्सन जो है आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा फिर मैं एक कल यूट्यूबर हैं, उनको काफ़ी सुनती हूँ, और उनको भी खैर मुख्तलिफ किस्म की एक्यूजेशन तो उन पर लगी हैं, बट आई मीन अच्छी बात आप कहीं से भी सुन रहे हो तो आपको उसको सुन लेनी चाहिए। देर इज़ दिस यूट्यूबर जुनेद अकरम, उनकी मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी,
वो थी प्लेन क्रैश के ऊपर। अच्छा, तो ही वॉज सेइंग अ वेरी राइट थिंग कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए अब हर चीज़ जो है वो शहादत के उस एक्सक्यूज में पैक कर देते हैं कि जी जो होना था वो तो होना ही था, और जिन्होंने फौत होना था, जिन्होंने जाना था उन्होंने जाना था, लेकिन वो शहीद हैं तो वी शुड यू नो बी ओके विद इट एंड वी शुड फाइंड आवर पीस और मूव ऑन। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि वी हैव टू स्टॉप सेइंग दिस थिंग कि जी फलां शहीद हो गया, फलां शहीद हो गया, एंड ही वॉज वेरी राइट। क्योंकि मुझे याद है कि जब APS का वाक़या हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था कि इतने सारे बच्चे फौत हो गए, शहीद हो गए, और बजाय इसके कि उसके ऊपर एक प्रॉपर कमीशन बैठे, प्रॉपर उसकी जो है लोग जो एक्यूज थे और जो फिर फाइनली उनके ऊपर केसेस प्रूव हुए वो पब्लिक को दिखाते, वही अननोन, मतलब अननोन केस चले, अननोन से मतलब ये कि आर्मी कोर्ट्स में केस चले, पब्लिकली कुछ भी नहीं सबके सामने आया, और बस एक दिन न्यूज़ जो चैनल्स हैं उनके अंदर टिकर चल गया कि यू नो दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस APS अटैक दे आर बीइंग हैंग। तो आवाम को तो कोई भी इस तरह से श्योरिटी नहीं मिलती बिकॉज दे आर नॉट मेड द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो और फिर सबको वही, मुझे याद है एक बहुत ही फेमस मौलाना साहब हैं हमारे मुल्क के, वो भी कह रहे हैं कि यू नो वी शुड ऑल फाइंड पीस और हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हैं। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये तभी तब तक ज्ञान अच्छे लगते हैं जब तक ये किसी के बच्चों के बारे में होते हैं। इफ़ योर किड सफर दैट प्लाइट तो आई डोंट थिंक सो यू नो वी विल इन्जॉय दिस एज मच, आई मीन वी वोंट इन्जॉय दिस टॉक एज मच। तो इसलिए ये हर चीज़ के ऊपर कह देना, कहीं टारगेट किलिंग हो तो भी अब लोग यही कह देते हैं फलां शहीद हो गया एंड दैट्स इट, फाइंड योर पीस। तो दिस शुड नॉट बी द वे। और हमारे मुल्क में तो प्लेन क्रैशेज अब इतने रेगुलर हो गए हैं जैसे यू नो इट इजंट इवन अ प्रॉब्लम। और वो जुनेद अकरम के इंटरव्यू में मैं एक बहुत अच्छी और भी चीज़ सुन रही थी, या मैं उनकी एक और बात से भी बहुत ज़्यादा अग्री कर रही थी कि वो ये कह रहे थे कि मतलब अभी प्लेन क्रैश हुआ तो 15 मिनट के अंदर न्यूज़ पे चल जाता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और मेजर रीज़न फाइंड आउट होगी। तो हर दफ़ा रीज़न क्या निकलती है कि जो जिंदा नहीं रहता उसके ऊपर सारा डाल दो, लाइक फाइंड अ स्केपगोट। ऑब्वियसली जब भी कोई हादसा होता है उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसमें ऑब्वियसली मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइंड आउट करें। ऑब्वियसली इंटेंशनली तो कोई किसी को नहीं मारेगा जैसे प्लेन क्रैशेज हैं, अनलेस कोई बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, लेकिन जो नेगलिजेंस है, जिस तरह स्पेशली जो प्लेन क्रैश के बाद की वीडियोज़ आ रही थी उन लोगों की, घर वालों की, जो लोग शहीद हो गए उनके घर वालों की जो वीडियोज़ आ रही थी देवर इवन मोर हार्ट ब्रेकिंग देन यू नो द प्लेन क्रैश इंसिडेंट इट्सेल्फ। यानी वो लोग बेचारे उनको अपने प्यारों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो नहीं हवाले की जा रही, और वो लिटरली दे आर यू नो बेगिंग द गवर्नमेंट टू डू समथिंग, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट का तो खैर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मतलब मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी वी हैव नॉट ओनली लॉस्ट आवर कॉन्शियंस बट वी हैव लॉस्ट आवर एम्पथी एज वेल। अच्छा बस मैं थोड़ा थोड़ा सा ही आई मेकअप इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, आई जस्ट लाइक पुट अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप। अच्छा तो मैं आपको वही बता रही थी कि जो बाद में वीडियोस आ रही हैं वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग है। आप सबने भी देखा होगा कि एक फादर हैं जिनके 3 बच्चे और एक वाइफ इस हादसे में शहीद हुए हैं, और वो बेचारे उनकी DNA ढूंढने के लिए, DNA के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। एंड ही सीम टू बी अ वेरी एजुकेटेड मैन, ही एड्रेस्ड और मेड अ वीडियो टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज वेल। तो आप देखें कि जो लोग तकलीफ़ में बजाय इसके कि उनकी हम हेल्प करें वो बेचारे खुद अपील कर रहे हैं हेल्प की, और वो खुद बता रहे हैं कि उनको लोगों को गलत डेड बॉडीज़ देने के चक्कर में थे, और हालांकि अब डेड बॉडीज़ उस वाक़े में क्या मिलनी थी, इतने ज़्यादा लोग जो हैं उस तकलीफ़ में उसमें यू नो बर्निंग बर्न हो गए एंड ऑल दैट।
तो कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं है हमारे पास एज अ कंट्री कि अच्छा कोई हादसा हो ही गया है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन तो चले बाद की चीज़ है, जो लोग उसमें विक्टम्स हैं यानी सफरर्स हैं हम उनको ही कुछ आराम दे दें। और ऊपर से ये जो लेट मी फिक्स माई आईज एंड देन आई टॉक अ लिटिल बिट मोर, सो आई डोंट वॉन्ट टू बी यू नो वेरी बिटर अबाउट दीज इंसिडेंट्स और दीज इशूज बिकॉज ये जो सोशल इमेच्योरिटी है हमारे मुल्क की, दिस इज़ समथिंग दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव, और हम सबको इम्प्रूव करने बजाय इसके कि हम वेट करते हैं कि पी टी आर चीज़ें बेहतर करेगी, वी नीड टू फिक्स आर सेल्व्स। इसलिए कि आप हर इदारे में जाएँ ना, तो वो मैंने कल बड़ा अच्छा कहीं आई थिंक मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का पढ़ा एक जगह पे कोटेशन बड़ी अच्छी कि हम फिरौन को बुरा कहते रहते हैं लेकिन हम हमारे माशरे में हर इंसान खुद ही फिरौन बन जाता है, यानी आप जूनियर क्लर्क की एक पोस्ट भी किसी को दे दें तो वो अपने अंदर ही एक फिरौन बन जाता है। तो आई थिंक पीपल नीड टू चेंज देमसेल्व्स रादर देन सेइंग कि सिस्टम बुरा है या गवर्नमेंट बुरी है। अच्छा, और स्लट शेमिंग से रिलेटेड तो एक ऐसा यू नो सिकनिंग कल्चर है हमारे मुल्क के अंदर कि यानी कोई भी चीज़ हो ना उसमें हर चीज़ में आप औरत को रगड़ दें और उसमें हर चीज़ में औरत को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें। अब आप देखें कि प्लेन क्रैश का इतना जो हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ, वो भी सिर्फ एक दिन ईद से पहले, और उसमें जो मॉडल शहीद हुई, इवन उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी पीपल आर मेकिंग कॉमेंट्स। आप उनके इंस्टाग्राम पर जाके देखें और जो लोग सेंसिबल हैं देयर हार्ट विल लिटरली ब्रेक रीडिंग द कॉमेंट्स दैट आर मेड ऑन आर इंस्टाग्राम पिक्चर्स उनके ड्रेसअप के ऊपर। और ये यहाँ तक लोगों ने अनाउंस कर दिया कि वो जन्नत जाएंगी या नहीं। आई मीन आपको कैसे पता है, आप वहाँ पे टिकट्स दे रहे हैं। दिस इज जस्ट, ये जो लोगों ने लाइसेंसेस हर चीज़ के देने शुरू किए हुए हैं ना, दैट हैज़ टू स्टॉप। और ये सिर्फ हमारे यहाँ हम जो कहते हैं ना अनएजुकेटेड लोग करते हैं, ये ऐसा नहीं है, बहुत बहुत एजुकेटेड। आई लिटरली हैव वर्क विद पीपल हु हैव स्टडीड अब्रॉड, और वो बाहर से पढ़े हुए लोग भी ऐसी बातें करते हैं क्योंकि वो यहाँ की सोच लेके जाते हैं और वो जो बाहर से सोच तब्दील करके आते हैं वो सिर्फ उनकी अपनी ज़ात तक होती है, और जैसे ही वो दूसरों तक इम्प्लीमेंट करने की बात आती है देन यू नो वी डोंट वॉन्ट दैट, वी वॉन्ट टू बी यू नो ट्रेडिशनल एंड कल्चरल एंड ऑल दैट। तो दिस इज़ जस्ट एक्सट्रीमली पैथेटिक। और फिर मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत से लोग फिर मानते नहीं हैं कि यू नो थिंग्स आर नॉट डिफ़िकल्ट फॉर वीमेन इन दिस कंट्री, कि नहीं जी ये जो औरतें वीमेन राइट्स के लिए बोलती हैं ये गलत है। आई मीन हाउ कम वी आर रॉन्ग व्हेन थिंग्स आर सो वर्स फॉर वीमेन दैट इवन इफ इन देयर डेथ दे आर नॉट यू नो फॉरगिवन। और वो खैर इससे ज़्यादा थोड़ी सी टू गो ऑन इन अ लाइटर मोड, आप सोचें कि अगर आपने अर्तुगरुल ड्रामा देख रहे हो तो उनकी जो कास्ट है उनके पेजेस पर जाके उन्हें इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मतलब अपना किबला इनका सीधा नहीं है, एंड दे आर लिटरली गोइंग ऑन दीज एक्टर्स पेजेस और उनको लिख रहे हैं बाजी और पता नहीं भाई और फलाना। तो आई एम जस्ट लाइक पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप क्योंकि वी आर नॉट लाइक गोइंग ऑन सम यू नो स्पेशल ओकेजन और एनीथिंग। तो यू नो वन वे ऑफ गेटिंग बेटर एज अ सोसाइटी इज दैट यू नो मेक दिस यू नो अ रूल फॉर योर सेल्फ दैट यू नो यू वुड नेवर से अ नेगेटिव थिंग अबाउट समवन यू नो नो मैटर व्हाट, मतलब आप अपना ओपिनियन विद लॉजिक्स दें और दूसरे का ओपिनियन विद लॉजिक्स सुने, लेकिन ये जो पासिंग जजमेंट स्टाइल है इसको ख़त्म कर दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो टीचर्स कैन प्ले एज वेल, बट
आई वॉज डिस्कसिंग दिस इन वन ऑफ माई यू नो क्लासेज इज़ वेल कि अब टीचर्स भी मुख्तलिफ इशूज़ पर बात नहीं कर सकते बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट कम्स फ्राम सच यू नो आई वुडन्ट से रेडिकल फैमिलीज बट दे कम फ्राम सच यू नो प्री फॉर्म्ड ओपिनियंस कि अगर आप उनको ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करें या उनके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करें एक न्यू ओपिनियन के ऊपर दे लिटरली गेट सो ऑफेंडेड. मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक दफ़ा मैंने कुछ फेमिनिज्म या कुछ क्लास में बात करना शुरू की एंड स्टूडेंट वेंट यू नो बॉन्कर्स. दे डिडंट नो दे डिडंट जस्ट वॉन्ट दैट डिस्कशन टू हैपन इन द क्लास. तो यू नो इवन इन क्लास इट गेट्स डिफिकल्ट कि आप लोगों की सोच चेंज करें बिकॉज पीपल जस्ट डोंट वॉन्ट टू चेंज. तो आप भी मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में कि वॉट इज़ यू नो योर टेक ऑन दिस होल थिंग. नॉट लाइक whose side you're on, क्योंकि I don't think so we should be like choosing sides in this case. It's not a competition, but just I want to know के you know what do you think about the condition in our society के लोग कितना ज़्यादा intolerant हो गए एक दूसरे की तरफ. वो ये कि जो professional हमारा workload है I feel कि वो इन जो क्वारंटीन है या लॉकडाउन है इसमें एक्सट्रीम हो गया है. मतलब ज़्यादा हो गया मोर देन नॉर्मल. पहले तो ऐसे मुझे लगता था कि अच्छा नहीं नहीं इसमें हम बड़ा रिलैक्स करेंगे ट्रैवलिंग फटीग नहीं होगी. लेकिन ऑनेस्टली इट सीम्स के जब से क्वारंटीन में हम गए हैं कोई ऑफ टाइमिंग है ही नहीं. यानी हमें शाम को 5 बजे के बाद भी चीज़ों पर काम कर रही होती हूँ असाइनमेंट्स मार्क कर रही होती हूँ. तो बिफोर आई यूज़ टू वर्क ओनली यू नो एट वर्क प्लेस. हाँ सो जन ऑलमोस्ट आई एम रेडी और आई यूजली अप्लाई दिस लिप कलर विच इज़ यू नो काइंड ऑफ वेल इट इज़ नॉट नेचुरल पिंक बट इट इज़ पिंक सो इट लुक्स यू नो क्वाइट रिफ्रेशिंग ऑन फेस. अच्छा तो आई एम रेडी नाउ. जैसे मैंने आपसे कहा था कि वी आर जस्ट गोइंग आउट फॉर यू नो नॉट फॉर लाइक अ बिग पार्टी और एनीथिंग जस्ट लाइक अ स्मॉल गैदरिंग विद माय फैमिली. सो आई डिडंट वांट टू गेट ओवर रेडी. तो दिस इज़ द फाइनल लुक और आई एम जस्ट लाइक पर हैप्स आफ्टर द वीडियो आई एम गोइंग टू कर्ल माई हेयर क्योंकि उससे मेरे बालों में वॉल्यूम बहुत आ जाता है. और आई डोंट नो मे बी आई लाइक लूज यू नो कीप देम लूज और आई डोंट नो. So this was from my side on this thing or I hope ke you know we as a society as people get maturer and we don't you know show this kind of stone heartedness and I would want to use the urdu word ke behisi na show kare kisi bhi cheez ke liye logon ki taraf insano ki taraf. Learn to you know let go and forgive people. I'm not saying ke jab bhi aapke sath bura ho aap logon ko maaf hi kar dein. You should like have to you know hold people accountable if they do you wrong but you have to hold the right people accountable for that. Not like if you feel threatened to aap koi bhi scapegoat dhoonde kisi bhi situation mein aur phir usko you know you give the punishment of your you know pain to them. So yeah, try being a better person with each passing day. That should be the goal of life and hope to see you again. And yeah, this is kind of the final look and I'll probably curl my hair after this but this is you know very subtle kind of everyday kind of natural makeup look. Thank you so much for watching. Bye.